डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि है इसकी टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव। आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। चलिए अब जानते हैं कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का अर्थ लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है। इन चुनावों को एक साथ एक ही दिन या एक निश्चित समय सीमा के भीतर कराने का विचार है। भारत में 1967 तक एक साथ चुनाव कराए जाते थे। मसलन 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए गए। हालांकि 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण एक साथ चुनाव चक्र बाधित हो गया। इसके अलावा 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया और 1971 में नए चुनाव हुए। इन सभी घटनाओं के कारण भारत में एक साथ चुनाव का चक्र टूट गया। चलिए इससे संबंधित पक्ष में तर्क को देखते हैं। भारत में हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं, तो इस तरह लगातार चुनाव चक्र राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ है। एक राष्ट्र एक चुनाव से चुनाव प्रक्रिया पर होने वाले कुल खर्च में कमी आएगी। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रचार खर्च में कमी आएगी और पार्टियों को वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। ये चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणाम स्वरूप होने वाली नीतिगत पंगुता को कम करेगा। चुनावों के दौरान सुरक्षा बलों की लगातार तैनाती से सशस्त्र पुलिस बलों की एक बड़ी संख्या का उपयोग होता है। एक साथ चुनाव के बाद इस बल को नक्सलवाद जैसी आंतरिक सुरक्षा समस्याओं के बेहतर प्रबंधन के लिए बेहतर ढंग से तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा बार बार होने वाले चुनाव राजनीतिक वर्ग को दीर्घकालिक कार्यक्रमों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय तत्काल चुनावी लाभ के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। विधि आयोग के अनुसार एक साथ चुनाव से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के लिए एक साथ कई वोट डालना आसान हो जाएगा। 2015 में ईएम सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता वाली कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने एक साथ चुनाव की सिफारिश की थी। चलिए अब इससे संबंधित विपक्ष के तर्क पर भी नजर डालते हैं। नियमित चुनाव ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार लोगों की इच्छाओं को नियमित रूप से सुनने के लिए बाध्य है और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करती है। इसके अलावा एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दल प्रभावित होंगे, क्योंकि स्थानीय मुद्दों के बजाय राष्ट्र मुद्दे चुनावों के दौरान हावी हो जाएंगे। एक साथ चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि चुनावों के कृत्रिम चक्र को लागू करने की कोशिश करना और मतदाताओं की पसंद को सीमित करना सही नहीं है। एक साथ चुनाव के लिए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती एक तार्किक चुनौती है और इससे देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वर्तमान प्रणाली को हमारे पूर्वजों ने नियमित चुनावों का प्रावधान करके लोकतंत्र की इच्छा को बनाए रखने के लिए जानबूझकर चुना है, ताकि लोग वोट देने के अधिकार के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त कर सकें। इसके अलावा चुनाव प्रणाली में संशोधन का मतलब लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा व्यक्त करने की शक्ति से छेड़छाड़ करना होगा। चलिए एक राष्ट्र एक चुनाव के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर नजर डालते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान और अन्य कानूनी ढांचे में बदलाव की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव के लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन की जरूरत होगी, जैसे अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने से संबंधित है, अनुच्छेद 172 जो राज्य विधान मंडलों की अवधि से संबंधित है, अनुच्छेद 174 जो राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित है, और अनुच्छेद 356 जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। इसके लिए राज्यों के 50% अनुसमर्थन के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, जो सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। एक साथ चुनाव कराने के लिए केंद्र को कुछ राज्यों को अपने सदनों की शर्तों को कम करने के लिए और अन्यों को अपनी शर्तों को बढ़ाने के लिए सहमत करना होगा। विधानसभा अवधि में कटौती और विस्तार भी एक बड़ी चुनौती है।
इसके अलावा एक साथ चुनाव के कार्यान्वयन में लगभग 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम्स और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट मशीनों की व्यवस्था करना और देश भर में केंद्रीय बल को तैनात करना एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए अब इससे रिलेटेड आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणाम स्वरूप होने वाली नीतिगत पंगुता को कम करेगा। और कथन दो, एक साथ चुनाव के लिए संविधान के केवल एक अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।